भाई घोस्ट फ्रीक और डायमंड हेड को कौन नहीं जानता होगा। इन दोनों पावरफुल एलियंस ने कई पावरफुल विलन्स को आराम से डिफीट किया है, लेकिन भाई अगर कभी इन दोनों एलियंस में ही फाइट हो जाता है तो इस फाइट का विनर कौन होगा, क्योंकि भाई दोनों ही एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार चलो एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई पहले बात करेंगे घोस्ट फ्रीक की। इसकी स्पीसीज है एक्टोन्यूराइट और इसका होम वर्ल्ड है एनोरफेटोस। ये घोस्ट फ्रीक के पास एन इन स्ट्रेंथ, एन इन ड्यूरेबिलिटी, थोर्न जनरेशन, एरियल कॉम्बैक्ट, मैना एब्सॉर्प्शन, इम्यूनिटी जैसी एबिलिटीज हैं। भाई इसके अलावा इसके पास फ्लाई, डेंसिटी शिफ्टिंग, डिफॉर्मेशन, इंटेजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी जैसी एबिलिटीज भी है। भाई घोस्ट फ्रीक के पास प्रोटेक्टिव एंड रिमूवेबल स्किन है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। भाई घोस्ट फ्रीक के पास इनविजिबिलिटी इनफ्यूजन और इंटेजिबिलिटी इन फ्यूजन जैसी एबिलिटीज भी है। यानी कि यार अगर घोस्ट फ्रीक के साथ किसी भी एलियन का फ्यूजन होता है तो भाई वो फ्यूजन एलियन इंटेजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी का यूज कर सकता है। भाई इन सभी के अलावा इसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्शन, इंटेजिबिलिटी एनहांस्ड कॉम्बैक्ट और इनविजिबिलिटी एनहांस्ड कॉम्बैक्ट जैसी एबिलिटीज है, जो कि इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। घोस्ट फ्रीक स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और इसके पास मूवेबल आईज और शार्प क्लोज है। भाई घोस्ट फ्रीक ओनली अपने ट्रू फॉर्म में स्कल रोटेशन, शार्प्ति, टेलीकिनेसिस, एनर्जी बीम जिसे हम डार्क बीम बोलते हैं उसका यूज कर सकता है। भाई अगर आप सभी घोस्ट फ्रीक का ट्रू फॉर्म नहीं जानती हैं तो भाई जिस केयर को तो आपने देखा ही होगा वो यार घोस्ट फ्रीक का ट्रू फॉर्म है। भाई घोस्ट फ्रीक किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। भाई ये उनकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता है जिनके पास इंटेजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी, माइंड कंट्रोल जैसी एबिलिटीज है। भाई घोस्ट फ्रीक कॉम्बैक्ट में काफी ज्यादा अच्छा है और भाई हम सभी जानते हैं कि जिस केयर ने बिल गेट्स की कितनी अच्छी तरह से पिटाई की थी। तो भाई अब बात करते हैं डायमंड हेड की। इसकी स्पीसीज है पेट्रोसेपियन और इसका होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया। इसके पास एन इन स्ट्रेंथ, एन इन ड्यूरेबिलिटी, एन इन डेक्सटरिटी और एन इन जंपिंग जैसी एबिलिटीज है। भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डायमंड हेड उस्ताद है, ये स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और मैना को मैनिपुलेट कर सकता है। भाई इसके पास क्रिस्टलोकिनेसिस, क्रिस्टलोकिनेटिक एन इन कॉम्बैट, रीजनरेशन, बॉडी अल्टरेशन जैसी एबिलिटीज है। भाई इसके अलावा इसके पास शार्प बैक शॉट्स, शार्प प्रोजेक्टाइल्स, वेपन मैनिफेस्टेशन जैसी एबिलिटीज भी है। और यार इसके पास मेटामॉर्फिक आर्म, आर्म एक्सटेंशन, टाइम रे इम्यूनिटी, डीके इम्यूनिटी, हीट रेसिस्टेंस और एनर्जी रिफ्रैक्शन जैसी एबिलिटीज हैं। भाई डायमंड हेड बेंटन का एक पावरफुल एलियन भी है, जिसने बिल गेट्स जैसे पावरफुल विलन को भी डिफीट किया है। भाई डायमंड हेड अपने क्रिस्टल से शार्प एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, जिसे ये एक वेपन की तरह भी यूज कर सकता है, जिससे अपोनेंट को काफी हार्म किया जा सकता है। भाई डायमंड हेड ग्राउंड को छूकर या फिर छुए बिना ही एक पावरफुल एंड शार्प क्रिस्टल को जनरेट कर सकता है, जिसे ये अपने डिफेंस के लिए भी यूज कर सकता है, भाई अपोनेंट को डिफीट करने के लिए भी यूज कर सकता है। डायमंड हेड का फाइटिंग स्टाइल गजब है। भाई इसने कई पावरफुल विलन्स को आराम से डिफीट किया है। तो यार हमने इन दोनों मोस्ट पावरफुल एलियंस की पावर एंड एबिलिटीज की बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे इनमें से बेस्ट और पावरफुल एलियन कौन है। तो देखो यार दोनों का ही फाइटिंग स्टाइल गजब है, दोनों ही कॉम्बैट के उस्ताद है, दोनों ही मोस्ट पावरफुल एलियंस है जो की कई पावरफुल विलन्स को आराम से डिफीट कर चुके हैं। भाई घोस्ट फ्रीक की डार्क बीम का डायमंड हेड पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई डायमंड हेड की बॉडी पावरफुल क्रिस्टल से बनी हुई है और भाई वो अपने पावरफुल क्रिस्टल से अपने लिए काफी अच्छा डिफेंस भी क्रिएट कर सकता है। भाई दोनों ही एलियन कॉम्बैक्ट में काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन भाई कॉम्बैक्ट में डायमंड हेड घोस्ट फ्रीक से ज्यादा पावरफुल है। भाई अगर डायमंड हेड अपने शार्प ऑब्जेक्ट को घोस्ट फ्रीक पर फायर करता है तो घोस्ट फ्रीक पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई उसके पास इंटेजिबिलिटी है। तो देखो यार अगर घोस्ट फ्रीक और डायमंड हेड में डायरेक्ट कॉम्बैक्ट होती है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि डायरेक्ट कॉम्बैक्ट में डायमंड हेड घोस्ट फ्रीक को डिफीट कर देगा। लेकिन भाई अगर इनमें डायरेक्ट कॉम्बैक्ट नहीं होती है तो भाई ये दोनों एलियंस अपनी पावरफुल एंड स्पेशल एबिलिटीज का यूज करेंगे। और भाई घोस्ट फ्रीक भैया इसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि वो फ्लाई कर सकती हैं, उनके पास इनविजिबिलिटी और इंटेजिबिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। और भाई अपनी घोस्ट फ्रीक भैया किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हैं, तो हो सकता है वो डायमंड हेड की बॉडी को कंट्रोल कर लें, तो भाई डायमंड हेड फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो देखो यार मेरे ओपिनियन से तो इस फाइट का विनर घोस्ट फ्रीक होगा, क्योंकि भाई उसके पास इंटेजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी जैसी एबिलिटीज है, वो फ्लाई कर सकता है और भाई डायमंड हेड की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता है। भाई आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा यार, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो खुद बता देता है कि विनर कौन होगा, फिर हमसे पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या कर लेगा डायमंड हेड विनर, बता क्या कर लेगा तू मेरा। भाई इसे छोड़ो जी पागल है, लेकिन भाई सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल मत छोड़ना यार, ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।